आज पिछले दो तीन दिनों से बड़ी धूप निकली हुई है में, इंग्लिस्तान में पीछे से कोई करो जरा क्रॉप इमेज पिछले हफ्ते जब मैं वो जिस होटल में था उसके पीछे एक फोटो लगी हुई थी तो उस फोटो को किसी ने वो क्रॉप इन किया और फौरन बताया वो हो जी आप तो प्रीमियर इन पता नहीं कौन से वाले में उसने नाम लिया मैनचेस्टर के पता नहीं कहाँ पे आप ठहरे हुए मैंने कहा प्रीमियर इन तो इन्होंने सही अंदाजा लगा लिया क्योंकि वो फोटो जो रिवर्स सर्च उन्होंने की लेकिन आ, शहर थोड़ा दूर था जहां पे मैं ठहरा हुआ था तो एनी बट यू नो लोग बड़े शरारती हैं बड़ी नजर रखते हैं लोग तो आई हैव टू बी केयरफुल केयरफुल होने से हुआ एक, एक टिकटॉक पे एक पागल हुआ हुआ तो, किसी जेम्स बॉन्ड का बच्चा ओ जी ये बात में फिर रहा है ओ जी ये इधर साउथ हैम्पटन में फिर रहा है तो पता नहीं कहां कहां फिर रहा मुझे तो उन जगहों के नाम भी नहीं पता तो और वही बता रहा है जहां जो मैंने खुद बताया अपने इंस्टाग्राम पे और बुजदिल इतने लोगों को कह रहा है कि ढूंढो इसे और भाई तो खुद आजा खुद बता दे तू कौन है तो भेजें दरा हम तो मैं यू नो पुलिस में पुलिस के साथ आऊंगा मैं अपने पांच सिपाही लेके तो ये ऐसी बस हवाई फायर मारते रहते हैं सलमान इधर से इधर पिछले तीस सालों से रह रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन यूज करता है वीपीएन के साथ ये शायद ऑस्ट्रेलिया कभी गया हो लेकिन रहता पाकिस्तान में इनको मैंने कल भी दिखाया था चलो मुझे पाकिस्तान ढूंढते रहो ढूंढो <laughs> मुझे ये खुश हो रहे हैं वैसे ही आ, मैं ऐसे बेचारे क्या करें तो वैसे आपको पता है कि पिछले दिनों किसी गधे ने मेरे बारे है में मशहूर किया था कि पाकिस्तान में याद ही आपको नहीं इतने यानी नहीं यानी नहीं ट्रक की बत्ती के पीछे खुद लगना चाहते हैं जानबूझ के। जाते हैं मैं 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 ना मैं, मैं 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 ना एक तीन मंजिला कार है उठे रहना दस देते चलो जाओ लबाओ लबो वैसे अगर हमने किसी अगर हमारा कोई दुश्मन है पाक हाँ अगर कोई तो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान में तो हम कहते हैं ये मेरा एड्रेस है उसका घर से आके लोगों ने नहीं मैं पाकिस्तान आया हूँ आज इधर ऐसे किसी के थ्रू खबर ऐसे किसी फेक चैनल के थ्रू खबर बकवा दे फोटो भी फोटो भी एडिट करके ना फोटो भी एडिट करके लगा दो अपने इसके साथ। ये मेरा ये मेरा भाई है एन के जुगे थे वो कहता है कि फुटबॉल का मैच ही खेल रहा था तो अपनी तरफ ही पांच गोल कर दिए मैंने कहा पागल ये क्या कर अपनी तरफ ही पांच गोल कर दिया कत यार उधर कोई करने नहीं ना देता अपने खिलाड़ी अपने खिलाड़ी मारी जाएंगे अपनी फौजियां मारी जाएंगे फ्रस्ट्रेशन <laughs> अच्छा वो एक था वो एक एक एथियस्ट होता था पाकिस्तानी फेसबुक पे उसका काम था उसने उसने ना सबसे जो वो करता था ना वो क्या करता है काबे के छत के ऊपर सूर लगा दिया उसने फोटोशॉप <laughs> <laughs> अच्छा फिर उसने काबे के छत के ऊपर जी कोई, कोई कोई वो क्या कहते हैं पोल डांसिंग वाली नंगी औरत लगा दी हाँ, उस टाइम फेसबुक इतनी जल्दी नहीं एक दिन मजे की बात है बंदा पोटी रहा उसको इतनी गालियां पड़ती थी बहुत गालियां उसको पड़ती थी तो उस उ, उसको किसी ने धमकी दी कि हम ना तुझ तक पहुंच जाएंगे किसी ने बड़ी उसे गालियां दी कोई सही उसने पर्सनल नर्व हिट की वो बंदा भी था उसने उस बंदे को सिर्फ एकदम गीदी कि मैंने कहना कि ये तू है जो ये काम कर रहा है वो बिना आईडी साइडी बंद करके भाग गया <laughs> 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 तेरी तेरी वो यानी तेरी फोटो लगा दी वो आईडी साइड बंद करके गायब हो गया <laughs> यानी इतना इतने बेवकूफ है वाकई हाँ इतने बेवकूफ है दुश्मन है वाकई वो जी क्या दो जी ये है का भाई लगा, निकालने के लिए आपकी साथ। लगा, या, लगा या। जो करना करें आप मुझे तो इतना पता है मुझे अपनी हम क्या कर सकते रफा कह है हारिस भाई पाकिस्तान में आपके कत्ल करने का फतवा निकला मुझे गुस्सा ये आ रहा है कि अभी तक निकला ही नहीं था फतवा मेरा इतने बड़े बड़े अच्छा। कारनामे में कर चुका हूं <laughs> मेरा मे, मेरा फतवा अब निकाल रहे हैं ये लोग नहीं वो मुल्ले भी डरते हैं ना मुल्ले भी डरते हैं जिक्र अगर अपने चैनल पे हमारा कर दें तो फिर लोग कहेंगे भाई अपने आप, इन इन पापा को जवाब भी दो जिनका आपने जिक्र किया डैडी लोग जवाब भी दो इनको ये कटा आपने खोला आप बंद हो इसको तो इसलिए सारे मुल्ले भी डरे हुए हैं मगर बात ये है कि जिस दिन ये जिक्र शुरू हुआ फिर हो ही जाना है अभी तक इनको पता है कि इनका जिक्र ना करो उल्टी इनको मिल रही है मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेटीएम पे, पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ